आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनजाइटी, आज हम डिस्कस करेंगे एनजाइटी के बारे में, एनजाइटी क्या होता है, एनजाइटी कैसे होता है, इसके सिम्टम्स और इसके इलाज के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं एनजाइटी क्या है। एनजाइटी को हिंदी में घबराहट कहते हैं, और एनजाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो अगर फिज़िकली सिम्टम्स देखा जाए तो एनजाइटी के फिज़िकली सिम्टम्स जो हैं वो हैं, उसमें पहला जो सिम्टम्स है वो है घबराहट। आपको घबराहट, बहुत तेज़ घबराहट होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपका दिल बाहर निकलने वाला है, और हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा, हार्ट रेट यानी आपका पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये हो गया इसका पहला सिम्टम। और दूसरा जो सिम्टम्स है वो आपको पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, और पसीने के साथ साथ आपको ट्रीमर भी हो सकता है, ट्रीमर यानी कंपन, आपको कंपन हो सकता है, और हाथ पैर ठंडे हो जाना। ये हो गए इसके फिज़िकल सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसकी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में सबसे ज़्यादा सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो हैं एक्सेसिव वरीज, यानी अत्यधिक चिंताएं, बहुत ज़्यादा सोचना, स्ट्रेस, टेंशन, बिना बात के टेंशन लेना, और एक ही बात को बार बार सोचना। तो ये हो गए इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। अब बात करते हैं ये होता क्यों है, इसमें होता क्या है। इसमें एक बहुत ही कॉमन हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल, जिसको सेरोटोनिन कहा जाता है, जब उसका अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है, ऑप्टिमम से कम या नॉर्मल से कम, तो हमको ये सब तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी और पैनिक। जब आप इस तरह की कंप्लेन अपने डॉक्टर से, अपने न्यूरोलॉजिस्ट से, अपने साइकेट्रिस्ट से करते हैं, तो वो आपको SSRI ग्रुप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। SSRI ग्रुप यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर्स। ये क्या करती है, ये जैसे ही आपकी बॉडी में जाती है, ये बॉडी में जाने के बाद आपके बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है। जैसे ही सेरोटोनिन का लेवल आपके बॉडी में बढ़ता है और आपकी ये सारी परेशानी, चाहे वो OCD की हो, पैनिक की हो, डिप्रेशन की हो, एंजाइटी की हो, वो ख़त्म हो जाती है। ये तो बात हो गई इसकी इलाज के बारे में। अब बात करते हैं ये सेरोटोनिन कैसे बनता है। सेरोटोनिन बनता है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें तीन माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है ये बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसमें एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है जिसको कहते हैं ट्रिप्टोफेन। ये ट्रिप्टोफेन से ही इसका फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी डाइट है, एंटी डिप्रेशन डाइट, एंटी एंजाइटी डाइट, जिसमें ट्रिप्टोफेन रिच मात्रा में पाया जाता है। चलिए जानते हैं, सबसे पहले ट्रिप्टोफेन मिलता है सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल में। अगर आप फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट में आपको सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल, बनाना, इन दोनों में ट्रिप्टोफेन बहुत रिच मात्रा में पाया जाता है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स में जैसे अखरोट में, बादाम में, काजू में भी ट्रिप्टोफेन पाया जाता है। सनफ्लावर सीड में एक फ़िश होती है सैल्मन फिश, जिसको उसमें भी ट्रिप्टोफेन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो दही में, दूध में, पनीर में भी ट्रिप्टोफेन पाया जाता है। इस डाइट को अपने डेली डाइट में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं इस तरह के फल को जिसमें ट्रिप्टोफेन पाया जाता है, तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाएगा, सेरोटोनिन के फॉर्मेशन को में हेल्प करेगा, और हमारी ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं एंजाइटी की, डिप्रेशन की, OCD की, ये सब ख़त्म हो जाएंगी।